टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एक बार फिर रेलवे ने मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में रेलवे पटरी के किनारे करीब 20 इमारतों को नोटिस भेजा है और सभी इमारत में रहने वालों से उनके दस्तावेज रेलवे ने मांगा है। ऐसे में फिर लोगों में खौफ पैदा हो गया है अपने अपने आशियाने को लेकर। मगर नोटिस मिलने के बाद इन सभी 20 इमारतों में रहने वालों ने विधायक जितेंद्र अभाट के साथ में कल रात में एक मीटिंग ली थी और विधायक जितेंद्र अभाट ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ खड़े हैं और नोटिस का जवाब DRM ऑफिस जाकर देंगे। आपको बता दें कि बॉम्बे कॉलोनी के रेलवे पटरी के किनारे बनी करीब 20 इमारतें और जो इलाके हैं उनमें शाहूनगर, श्रीन अपार्टमेंट सी और डी, तृप्ति अपार्टमेंट बी और सी, प्रकाश कॉम्प्लेक्स ABCD और मिलन अपार्टमेंट ए और बी विंग और रॉयल अपार्टमेंट, अक्षा अपार्टमेंट, एल अपार्टमेंट ए बी और सी विंग है और गुरुनाथ चाल, सत्यम अपार्टमेंट, गीतांजलि और सुधीक्षा अपार्टमेंट को नोटिस मिला है। ऐसे में विधायक जितेंद्र अभाट ने सभी से अपना दस्तावेज NCP ब्लॉक अध्यक्ष बबलू शेमना के पास जमा करने को कहा है। सभी दस्तावेज के साथ DRM दफ्तर जाएंगे सभी को लेकर और मीटिंग खत्म होने के बाद खुद कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र अभाट ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। बीस बाईस बिल्डिंगों को नोटिस आई है और ये क्यों आई है, किसके लिए आई, कुछ आता पता तो है नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चालू थी, वो सूरत जलगांव रोड रूट की थी। वो रूट के ऊपर जो झोपड़ियां थी उसको तोड़ने का, अगर ऐसा कोई रूट के ऊपर झोपड़ियां है उसको थोड़ा ऐसा रेलवे को कहा गया। बहुत महीने पहले शाहूनगर, संतोष नगर में नोटिस आई थी तो हम लोग ने उनको लेके DRM के पास गया था, तभी से कुछ कार्रवाई हुई नहीं थी। ये कुछ 5-6 दिन हो गए कि नोटिस आना शुरू हो गया। ये नोटिस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुंब्रा में आ रहा है, ऐसी नोटिस कलवा में आई है, ऐसी नोटिस कल्याण में आई है, ऐसी नोटिस जोगेश्वरी गोरेगांव में आई है। सभी लोग मुझे मिलके गए हैं और मुझे लगता है कि ये सब बचाने का काम भी हमारा है। मैं केंद्रीय मंत्री से मिला था, दानवे साहब थे मेरे साथ, वैष्णव करके जो केंद्रीय रेल मंत्री है, राज्य मंत्री के रेल मंत्री मुझे मालूम है, उनको मिला था तो उन्होंने कहा था कि अब की बार कोई नोटिस नहीं आएगी, नोटिस आना शुरू हो गया है। कल मैं नेताओं से बात करूंगा, बताऊंगा, नहीं तो फिर हथियार तो है ही अपने पास रेलवे रोको का। ऐसा है, मैंने कल ही DRM को नोटिस लिखित में भेजने वाला हूँ कि आप क्या कागज बताओ, हमारे पास तो सब कागज मौजूद है, हमारे साथ 12 है, पर आपने इसको अक्वायर कभी किया, इसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिस का क्या बोलना है, ये बहस होगी ना। ऐसा आप किसी को भी डरा नहीं सकते हो, चल कोई बुड्ढा हार्ट अटैक से मर जाएगा कि मेरी बिल्डिंग टूटने वाली है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों को भी रहने का अधिकार है ना। तुम कल घोषणा दिए हो घर घर तिरंगा और घर ही तोड़ोगे। आगे आपसे इन लोग के साथ में किस तरह से देखो, ऐसा मैंने कहा कि लड़ाई मेरी है, आप चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा। और मेरे को अनुभव है ना ऐसी लड़ाई का, जब मैंने 25,000 झोपड़ियां बचाई थी कलवा में, तब तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तोड़ डालो, तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके वो झोपड़ियां बचाई है। तो जनता साथ में आती है, जनता एक साथ एकजुट हो जाती है, कोई कुछ नहीं कर सकता।